Let's start with the metals and non-metals today. We'll be discussing the MCQs, assertion reasoning and case studies today. Okay. So write down. Write down the first question. Stainless steel. Stainless steel is very useful material. Stainless steel is very useful material for our life. For our lives, in stainless steel, iron is mixed with, your options are, iron is mixed with nickel copper, options hain aapke nickel copper, copper chromium, Dilpreet, just a minute. Dilpreet, कौन सा एलिमेंट है ये? एल्यूमिनियम है ये? Which element is this? मास्क ऊपर करोगे अपना? हाँ जी बेटा. Which element is this? We need. So this is gold. Now what is the correct answer? Nickel and copper. So the correct answer is. That means D is the correct answer. So in the stainless steel, iron is mixed with nickel and chromium. Write down the next one. Reaction between X and Y form compound Z. कहते हैं X और Y में reaction हुई है और एक Z combined compound जो है वो form हुआ. Okay? X loses electron and Y gain electron. जहाँ पर X ने बेटा जो लिखा है वही है, x और y कंबाइन करके z दे रहे हैं. x ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, x लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड y इट गेन्स इलेक्ट्रॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय z. कहते z कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा. राइट डाउन. हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. द फर्स्ट ऑप्शन इज हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. The second option is conduct electricity in molten state. Second option is conduct electricity in molten state. The third is has low melting point. Has low melting point. And the fourth is occur as solid. कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी Z नहीं शो करेगा? Just raise your hands. With reason you have to tell. Reason का तो हाथ नीचे कर लिया. अच्छा सोच रहे हो reason. सोच लो बेटा. हाँ जी. What can be the correct answer? Has low melting point. हाँ जी. Why? क्यों low melting point होगा?
एक्स और वाई जब कंबाइन करेंगे दे विल गेट जेड, ठीक है, जेड देंगे, जेड इज एन आयनिक कंपाउंड, जेड आयनिक कंपाउंड होगा विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर हैविंग, ये भी ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी ठीक है, ठीक है, अकर है सॉलिड, सॉलिड की फॉर्म में एक्ट करते हैं, बताया मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है सही, हैज लो मेल्टिंग। ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन अंडरगो करेगा। Which of the following can undergo a chemical reaction? किसकी chemical reaction possible है? Your options are MgSO4 plus iron, ZnSO4 plus iron, CuSO4 plus iron, MgSO4 plus सिमरप्रीत, पीबी क्या होता है, व्हाट इज पीबी, पीबी कौन सा एलिमेंट है, उची बोलो और विनीत उसको सुन जाए, हाँ जी व्हाट इज पीबी, दैट इज लेड। इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ जी बोलो, बैठो बैठो, so that is CuSO4 plus iron, how reactivity series bolo, Au कैसे लर्न किए तूने सारा आता, अच्छा चलो लेट सी फर्स्ट वन, वी हैव टू सी वेदर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव और आयरन, कहाँ है मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बैठो बेटा, जिंक सल्फेट एंड आयरन, वेयर इज जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव, अगेन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, MgSO4, वेयर इज मैग्नीशियम एंड लेड, मैग्नीशियम ऊपर है लेड नीचे है, तो जो ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो यानी कि ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, कॉपर नीचे है आयरन ऊपर है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, so this reaction is possible, okay, write down the next one, ye aap bubble bhi bata sakte ho mujhe, when sulfur dioxide is dissolved in water it will give, dilpit batayega beta, tere ko aata hai sara aata hai, isliye tere se poochti hu main beta, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बता दो फिर, दिलप्रीत व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज बेटा डाई का है, डाई का मतलब डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन वाटर इट गिव्स H2 this is which acid hai that is sulfurous acid, that is sulfurous acid, the purest gold is 18 carat, 20, 24, 22, 24 carat.
राइट. नेक्स्ट राइट डाउन द लाइटेस्ट एलिमेंट. लाइटेस्ट एलिमेंट लिथियम, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट वन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है, मास नंबर वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजिक मेटल. इसमें से आपने बताना है कौन सा स्ट्रेटेजिक मेटल है. गोल्ड, सिल्वर, जिंक, टाइटेनियम. टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर. टाइटेनियम दे आर द स्ट्रेटेजिक मेटल्स. उसके बाद नेक्स्ट लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड. इसमें से कौन सा जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है. CO, H2O, N2O, Na2O. इसमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है. You have to explain your answer with reason. हाँ जी N2O. Na2O is not a neutral oxide. कौन सा ऑक्साइड है. That is basic oxide. So the correct answer is Na2O. Rest all are the neutral. Water भी neutral है, CO भी neutral है, N2O भी neutral है. Nitrogen dioxide, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. अगर इसका ऐसे नाम बोलूं मैं, डाई नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है एंड वन ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. CaO, कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट राइट डाउन सोडियम ऑक्साइड. इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है. Which of the following is an amphoteric oxide? Which of the following is an amphoteric oxide? हाँ जी बेटा, एम्फोटेरिक मीन्स दैट कैन फॉर्म बोथ एसिड, दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस. यहाँ जो दोनों एसिड या बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. मैंने सिर्फ दो ऑक्साइड्स आपको करवाए हैं एम्फोटेरिक के, और एक उसके सामने लिखा हुआ है. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है विद बेस. जिंक और एल्यूमिनियम मैंने आपको बताए नहीं थे, दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं. डैट कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस. हाँ जी Al2O3 की HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा. AlCl3 एंड वॉटर. और यही अगर आप Al2O3 की रिएक्शन करोगे विद NaOH. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बताए थे कि नहीं बेटा, याद करो फिर. कब याद करने हैं, पेपर सर पे हैं. ठीक है,
तो ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, याद रख लेना, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। राइट डाउन द नेक्स्ट वन, एटॉमिक नंबर्स ऑफ फोर एलिमेंट्स पी क्यू आर एस। आपको चार एलिमेंट्स गिवन हैं पी क्यू आर एंड एस, इनके आपको दिए हैं एटॉमिक नंबर्स एंड दे आर 6, 8, 10, 12। द टू एलिमेंट्स विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड आर, आयनिक कंपाउंड्स। इसमें से दो एलिमेंट्स कौन से हैं जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे? Why? एटॉमिक नंबर्स गिवन है, दिस विल बी 2, 4, दिस विल बी 2, 6, दिस विल बी 2, 8, 2, 8 सॉरी, दिस विल बी 2, 8। ठीक है, अब देखो इसको दो की रिक्वायरमेंट है, इसने दो रिलीज करने हैं, तो इसने जो दो रिलीज किए हैं वो ये ले सकता है। ठीक है, एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव वाली आ गई स्पीशीज, सो द करेक्ट आंसर इज क्यू एंड एस। ओके, चलिए राइट डाउन नेक्स्ट, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, राइट डाउन द ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस तो देख लो, ऑक्सीजन गिवन है कि नहीं, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, टिन का सिंबल लेड का है, वो टिन का सिंबल, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, या यहां पर है लेस रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, मैंने पहले तेरे को कहा था ऑप्शंस देख, आगे लिखिए बेटा, assertion reasoning लिखो, assertion write down, silver is used in making electric wires, write down the assertion, silver is used in making, silver का symbol, it is used in electrical wires, जस्ट रेज योर हैंड, बोलना नहीं है किसी ने करेक्ट आंसर, रीजन लिखिए, सिल्वर इज अ पुअर कंडक्टर, सिल्वर इज अ पुअर कंडक्टर, जस्ट रेज योर हैंड। ऊपर वाले आपको पता ना, फर्स्ट वाला हमेशा ये है कि दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सेकेंड इज दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेकेंड वाले में फॉल्स, थर्ड वाले में ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ये देख लो ध्यान से, थर्ड में ए फॉल्स है, चलो ये कर लेते पहले, ए ट्रू है आर फॉल्स है, ठीक है, फोर्थ वाले में ए फॉल्स है और आर ट्रू है। Now give your answer. हाँ जी सिमरप्रीत, ए ट्रू है, सिल्वर हम यूज करते हैं, कैसे फॉल्स हैं,
हाँ तो कर सकते हैं, एक्सपेंसिव की वजह से नहीं करते हैं, बट इट कैन बी यूज. सिल्वर हमने पढ़ा है डैट इज द बेस्ट वन, जिसके हम वायर्स क्रिएट कर सकते हैं. डक्टिलिटी सबसे ज्यादा सिल्वर की होती है, तो डैट मीन्स इट कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स. ठीक है, तो ये पुअर कंडक्टर तो नहीं है, सो डैट मीन्स योर आंसर इज सी. ठीक है, उसके बाद लिखिए जिंक बिकम्स डल. एसर्शन है, एसर्शन इज जिंक बिकम्स डल zinc becomes dull when exposed to moist air. When exposed to moist air. Reason: zinc is coated by a thin film of zinc ke upar thin film aa jati hai ऑक्साइड की. अच्छा, सपोज हेयर आई एम गिविंग टू assertions. सपोज वैसे गिवन नहीं होगी, बट आपने मुझे इन दोनों assertions में से बताना है कौन सी करेक्ट है. सेकंड वाला रीजन गलत है. अगर मैं कहूं सेकंड वाला assertion ट्रू है, जिंक के ऊपर कार्बोनेट की लेयर आती है, डैट फॉर्म्स जिंक कार्बोनेट. क्या कैसे है बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ दोनों में से कौन सा सही है. मैंने गिवन नहीं, आप बताओ assertion कौन सी करेक्ट है. बेटा दी हुई है 1, 2, 3, 4, ऊपर वाली ऑप्शंस यूज करनी है. मॉइस्ट एयर में जब हम रखेंगे तो मॉइस्ट एयर में हमेशा कार्बोनेट की फिल्म बनेगी. जिंक के ऊपर कार्बोनेट, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स है ना, दे विल रिएक्ट बेस्ड अपॉन देयर रिएक्टिविटीज, कि कौन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन कार्बोनेट के साथ, कौन सल्फाइड्स के साथ. ठीक है, वैसे ये मेटलर्जी वाला क्वेश्चन हो गया है, तो आप याद रख लेना जिंक के साथ कार्बोनेट क्लियर बने. ठीक है, क्योंकि मेटलर्जी वाला हमारा टॉपिक नहीं है, बट इसमें मेटल्स यूज हो गया इसलिए मैंने ये करवा दिया. ठीक है, सल्फाइड की लेयर बनती है, ऑक्साइड की लेयर बनती है, कार्बोनेट की लेयर बनती है. ठीक है, ये मेटलर्जी वाले टॉपिक में से था. आगे लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट वन. केस स्टडी क्वेश्चन लिख लो एक. मेटल्स की केस स्टडी है. ठीक है, मेटल्स की सारी केस स्टडी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. मेटल्स आर विच आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द नेशनल डिफेंस, एनर्जी एंड इंडस्ट्री सेक्टर आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल्स. पढ़े हमने, अभी बताया मैंने आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रैटेजिक मेटल? टाइटेनियम, मैंगनीज, जिरकोनियम, ऑल ऑफ दीज. हाँ जी, ऑल ऑफ दीज. तो याद रखना है स्ट्रेटेजिक मेटल्स कौन कौन से हैं, टाइटेनियम, मैंगनीज एंड जिरकोनियम. ये मैं कल करवाया हुआ है मैंने आपको. Zr, जैसे जिंक का जेड है ना, इसका जेड आर है. नेक्स्ट, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निकल, आयरन, प्लेटिनम, सिल्वर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अ कॉइनेज मेटल? कॉइनेज,
COINAGE, जिसके नहीं बनते हैं कॉइन्स, कॉपर आयरन सिल्वर गोल्ड, किसके कॉइन्स नहीं बनते हैं? आयरन के कॉइन्स नहीं बनते हैं, ठीक है, सिल्वर भी महंगा है, कॉपर, ठीक है, एंड गोल्ड के भी, दे ऑल आर कॉइनेज मेटल्स। तो सेपरेटली लिख लो स्ट्रेटेजिक मेटल्स कौन से हैं, कॉइनेज वाले कौन से हैं, ठीक है, एक्टिव मेटल्स किनको हम कहते हैं, नॉन एक्टिव मेटल्स हम किनको कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चार ऑप्शंस गिवन है आपको। द वायर्स दैट कैरी करंट इन आवर होम्स हैव कोटिंग ऑफ पीवीसी और रबर, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, मेटल्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स विच प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सर्फेस आर नॉन सोनोरस, सेकेंड एंड फर्स्ट। ओके, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, मेटल्स की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। यू हैव टू अरेंज द मेटल्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन कौन से मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, मेरे को चार ऑर्डर्स गिवन है, आप मेरे को करेक्ट ऑर्डर बता दो कौन सा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ, व्हाई डज मैग्नीशियम रिबन नीड टू बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग ऑक्साइड, राइट। What is the reason for the surface of aluminium turns into dull color after few days? Formation of aluminium. Aluminium में कहाँ कार्बोनेट आ जाएगा? Process को क्या कहते हैं? Process को क्या कहते हैं? Anodizing कराया था ना? Anodizing में हम aluminium के ऊपर एक layer लगाते हैं, ठीक है? To form aluminium oxide. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं ना पढ़ी होगी अभी। अच्छा ये बता दो, चलो ये आपने पढ़ा है, नॉन मेटल्स जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ और नन। नॉन मेटल्स कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, या दोनों तरह से एक्ट करते हैं, कैसे है सिमर? कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या होता है, जो चीजें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं दैट आर एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो खुद क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। एजेंट याद रखना है, जैसे आप एजेंट किसी से काम करवाते हो ना, तो आपका जो काम कर रहा है वो एजेंट है। अब ये कौन सा काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर कोई चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, डेट इज रिडक्शन, ओके ओके, तो खुद क्या हो रहा है, ये उसके बाद नेक्स्ट लिखो, ओके, देयर इज मैच द कॉलम ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं, राइट। तो कॉलम ए एंड कॉलम बी गिवन है, उसके बाद आपको एमसीक्यूज में से ऑप्शंस हैं। ए में है मेटल डैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ए में है डैट मेटल्स डैट एम्फोटेरिक डैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बी में है मेटल दैट मेल्ट ऑन पाम, सी में मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, एंड डी में
दैट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम एसिड. ऐसा मेटल जो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता. दूसरी तरफ आपके ऑप्शंस हैं गैलियम, AU, AL, MN, एंड यू आर गिवन इन द ऑप्शंस ए बी सी डी, ऐसे करके गिवन है. देख लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में कैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो ए है ये वाले, ठीक है, कॉलम वन का जो ए है, ए किसको मैच कर रहा है, क्यू को. ऑप्शंस बता रही हूँ बेटा मैं आपको. बी पी को मैच कर रहा है, दिख रहे हैं इधर, ए क्यू को मैच कर रहा है, बी पी को मैच कर रहा है, सी आर को मैच कर रहा है, और डी एस को मैच कर रहा है. तो ऐसे आपको आ सकते हैं पेपर में. ओके, नाउ इन द सेम वे यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एल्युमिनियम फॉर्म करते हैं, गैलियम मेल्ट कर जाता है गैलियम के साथ, और मैंने क्या एग्जांपल दी थी आपको, सीजियम. हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने बताया मुझे ये. हाँ, ये किसने बताया? अच्छा, आपने फोर्थ का बताया. फोर्थ का क्या है, एम एन फोर्थ वाला? हाँ जी, और कौन जस्टिफाई करता है इसको? मैंने आपको उस दिन बताया था दो मेटल्स ऐसे हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, दैट इज MN. तो C वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन किसके साथ है?